दोस्तों आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बकरे को हलाल करने से पहले उसे भी अच्छे प्रकार से खिलाया पिलाया जाता है। ऐसा ही कुछ हर देश के जेलों के अंदर कैदियों के साथ भी किया जाता है। लेकिन जब इन कैदियों ने अपने खाने की आखिरी इच्छा बताई तो वहाँ पर खड़े हर इंसान का रूह कांप उठी। और अगर आप भी इन कैदियों के आखिरी खाने की इच्छा जानेंगे तो आप भी पूरी तरह शॉक्ड हो जाएंगे। नंबर वन, एंड्रू लैकी। दोस्तों ये जनाब अपने खाने के लिए काफी अजीबोगरीब डिश की फरमाइश की। इन जनाब ने टर्की की मीट मंगवाई। अब हम आपको बताते हैं कि टर्की असल में होता क्या है। टर्की के बाहरी देश में मिलने वाली एक चिड़िया है जो कि कहा जाता है कि इसका मीट काफी ज्यादा स्वादिष्ट होता है। और फिर इन जनाब ने कुछ ब्रेड की चीज और फ्रेंच फ्राइज मंगवाई। ये तो हमें पता है कि ब्रेड, चीज और फ्रेंच फ्राइज, ये चीजें शॉप और मॉल के अंदर काफी आसानी से मिल जाती है। लेकिन बात तो थी टर्की की मीट की। जब इन जनाब को टर्की का मीट मिला तो इसने बिना पकाए उस मीट को काफी आसानी से खा गया। लेकिन अब इन जनाब के बारे में क्या कहा जाए, आखिर पागलपंथी की भी तो हद होती है। दोस्तों इन्हें कम से कम इस मीट को पका तो लेना चाहिए। नंबर टू, डेविड लियोन, वुड्स इंडियन। दोस्तों ये जनाब अपने मरने से पहले अपना जन्मदिन मनाना चाहते थे। अब ये बात वाकई में ज्यादा अजीब था क्योंकि इन जनाब का जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन इस व्यक्ति की फांसी का दिन निश्चित किया गया। हालांकि उनके जन्मदिन वाले इन जनाब को नहीं मारा गया, साथ ही इन जेल की दीवारों को काफी अच्छे प्रकार से सजाया भी गया और केक भी काटा गया। लेकिन निराशा की बात तो ये थी कि इन जनाब को अगले ही दिन फांसी दे दी गई। अब आप ही सोचो कि जो व्यक्ति एक दिन पहले इतनी मौज मस्ती से अपना जन्मदिन मना रहा था उसे अगले ही दिन फांसी की सूली पर चढ़ाने पर कैसा लगा होगा। तब ये बात सुनकर तो हमें भी काफी ज्यादा दुख होता है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। नंबर थ्री, क्रिस्टोफर ब्रुक्स। दोस्तों ये जनाब काफी सीधा साधा इंसान थे जिन्होंने खाने के मामले में सबसे सिंपल चीज मंगवाई जो की था दो पीनट कप्स और साथ में एक कोक। पता नहीं इन जनाब को कौन से अनोखे जुर्म के चक्कर में जेल के अंदर फांसी की सजा सुनाई गई। अब जब इन जनाब का आखिरी इच्छा यही है तो इनकी इच्छा क्यों न पूरी की जाए। नंबर फोर, एल्टन कोलमैन, ओहियो। दोस्तों ये जनाब एक सीरियल किलर था और इस बंदे ने अपनी आखिरी खाना खाने की फरमाइश में मंगवाया एक सलाद, एक पाई, एक चिकन, फ्रेंच फ्राइज, अनियन ड्रिंक्स, ब्रेड, चीज, बिस्कुट, मशरूम और आखिर में मंगवाया ब्रोकली चीज। अब इतनी सारी चीजें इन जनाब ने सिर्फ अपने लिए मंगवाई। इन जनाब को देखकर तो लग रहा है कि इसने आज से पहले कभी खाना ही नहीं खाया होगा। लगता है कि ये कई सालों से भूखे थे। लेकिन अब जो भी हो, इन जनाब ने अपनी सारी खाने की फरमाइशें जेल के अंदर ही पूरी कर ली। नंबर फाइव, अडोल्फ ईचमैन, इजराइल। अब दोस्तों ये जनाब हिटलर के समय के थे जो कि काफी ज्यादा मशहूर थे। ये जनाब 1662 में हेलोकोस की रचना की और हम आपको बता दें कि इस समय दुनिया का विनाश करने में इन जनाब का भी काफी ज्यादा योगदान रहा। लेकिन ये आखिर में पकड़े ही गए और इन जनाब से इनकी आखिरी इच्छा फांसी के समय पूछी गई तो इन जनाब ने अपने लिए एक दारू मंगवाई। अब ये सही है कि उन्होंने कुछ और नहीं बस दारू ही मंगवाई। अब आखिर ये जनाब भी रॉयल फैमिली से थे। दोस्तों आखिर ये शराब पीना क्यों छोड़ेंगे। अब यही तो है वो महान इंसान जिन्होंने सारे तरह तरह के पकवानों को छोड़कर सिर्फ इन्होंने रेड वाइन मंगवाई। अब हम तो यही कहेंगे कि अभी तक के सबसे समझदार इंसान यही है क्योंकि ये जनाब मौत को भी नशे में ही ताल देना चाहते थे। ये वाकई में काफी कमाल के इंसान थे। नंबर सिक्स, रोजर कैसमेंट, यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों ये इंसान अपने आखिरी खाने के लिए एक कम्युनल वेपर पेपर मंगवाया। ये वही पेपर है जिससे ईसाई धर्म के लोग अपने मुंह के अंदर इसको रखकर कैथोलिक सिंगर्स की कसम खाते हैं। और इन जनाब ने अपनी मौत से कुछ ही समय पहले अपना धर्म परिवर्तन करवा लिया। लेकिन हमें पता है कि धर्म बदलने से लोगों का अतीत या कहे कि पाप नहीं मिटता। अब ये तो हो सकता है कि इन जनाब को लग रहा हो कि धर्म बदलने से इन्हें स्वर्ग में स्थान मिल जाएगा। अब पता नहीं जनाब ने क्या सोचकर ऐसा ही काम किया। नंबर सेवन, जॉन को 1994 में मौत मिली क्योंकि ये इंसान काफी ज्यादा बेरहम था और इसने लगभग 33 लड़कों का मर्डर किया और उन बच्चों के साथ शारीरिक संबंध भी बनाने की कोशिश की, वो भी एक जोकर बनकर। अब जोकर को देखकर तो कौन सा बच्चा उसके पास जाकर खेलना नहीं चाहेगा। साथ ही इस इंसान ने अपने आखिरी समय में खाने के लिए एक स्ट्रीट, एक KFC चिकन, फ्रेंच फ्राइज और 2 किलो स्ट्रॉबेरी, जी हाँ दोस्तों 2 किलो स्ट्रॉबेरी भी मंगवाई। और ये इस पूरी स्ट्रॉबेरी को जेल के अंदर ही खाए और अपने पूरे चेहरे और शरीर पर भी लगाए। अब इसने ऐसा क्यों किया ये तो हमें नहीं पता। अगर हमें इस बात का पता चलता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। नंबर एट,
थॉमस जे ग्रासो, ओकाहोमा। दोस्तों, ये इंसान सबसे अजीबोगरीब खाने की लिस्ट में से एक है। आप खुद ही देखिए कि इन जनाब ने मंगवाया 2 दर्जन छोटी मछलियाँ, 2 दर्जन स्ट्रीट कॉम्प्लेक्स, 1/2 दर्जन चिकन ब्रिज, 1 सुपर चीज बर्गर, 2 स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, 1 पंपकिन पाई और लास्ट में कुछ स्ट्रॉबेरी। अब तो ये मानना ही पड़ेगा कि इन जनाब का पेट कितना बड़ा है। ऐसा लग रहा है कि उनका पेट कोई ब्लैक होल हो जो इतना सारा खाना एक ही बार में खा लिए थे। नंबर 10, रिकी रे रैक्टर। दोस्तों, इन जनाब की आखिरी इच्छा इतनी अजीब नहीं लगती। इस इंसान ने एक चिकन लेग मंगवाया, एक फ्राई स्टिक और एक बड़े जूस का मग मंगवाया। साथ खाने के लिए कुछ मीठा भी होना चाहिए, इसीलिए इसने आखिर में पाई को भी मंगवाया। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, इस इंसान ने पाई नहीं खाया। उसने सारा चीज खाने के बाद बचे हुए पाई के बारे में कहा कि मैं इसे बाद में खा लूंगा। अब मुझे तो ये लगता है कि शायद वो इस पाई को खाना ही भूल गया था, या शायद उसे ये पाई खाना ही याद नहीं रहा। उसने सोचा होगा कि मैं इस पाई को कल सुबह खा लूंगा। शायद उसे ये याद नहीं रहा कि ये उसका आखिरी दिन है। लेकिन अब इस बचे हुए पाई का क्या किया जाए? क्या सिंपल सी बात है, दोस्तों इसे फेंक दो, आखिर इसका होगा क्या? नंबर 11, रोनी ली गार्डनर, उताह। दोस्तों, ये जनाब वाकई में काफी ज्यादा अजीब थे। अब ये तो आपको शुरू में पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये जनाब ने तो बाकी लोग आमतौर पर खाते हैं उसी चीज को मंगवाया। लेकिन इन जनाब ने आखिर में एक बुक की फरमाइश की जिसका नाम लॉर्ड ऑफ द रिंग था, जिसे ये पूरा पढ़ना चाहते थे, वो भी खाते समय। अब दोस्तों, खाते खाते कौन इंसान बुक पढ़ना पसंद करेगा? भला इन जनाब को ये कौन समझाए? नंबर 12, ट्रॉय डेविस। दोस्तों, 12वें नंबर पर आते हैं ट्रॉय डेविस। ये इंसान जिसे शायद सजा गलती से मिल गई, क्योंकि जिस जुर्म के लिए इन्हें सजा मिली, शायद उन्होंने वो जुर्म किया ही नहीं था। इन जनाब ने अपनी आखिरी मिल मंगवाई, लेकिन अब क्या कह सकते हैं कि कानून सिर्फ सबूतों को मानता है, और इनके पास सबूत ही नहीं थे, जिसकी वजह से इन्हें फांसी की सजा हो गई। अब ये सुनकर काफी अफसोस होता है कि बिना बात के किसी की जान चली गई। नंबर 13, पीटर जे मिनेल। दोस्तों, ये जनाब जेल के अंदर अपनी आखिरी इच्छा के दौरान सबसे ज्यादा खाना मंगवाने वाले इंसान है। इन जनाब ने अपने खाने के लिए लगभग 20 टाको, 2 डबल चीज बर्गर, 1 पिज्जा, फ्राइड चिकन, 1 केक, 1/2 वनीला कुकीज, 1 आइसक्रीम, 2 कोक बियर, 2 पेप्सी और आखिर में 2 गिलास ऑरेंज जूस। अब इतना सारा खाना देखकर तो लगता है कि ये खाना अपने लिए ना मंगवा कर अपने पूरे परिवार के लिए मंगवाया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इन्होंने अपने बाकी जेल में रहने वाले दोस्तों के लिए ये सारा दावत मंगवाया हो। लेकिन दोस्तों, मरने की दावत कौन खिलाता है? अब भला जो भी हो, इस इंसान ने सरकारी खर्चे का खूब मजा उठाया था। नंबर 14, रॉबर्ट डेल कॉन्क्लाइन, जॉर्जिया। दोस्तों, आप जरा इन कैदी से मिलिए। इन जनाब ने अब तक के सबसे महंगे और काफी लजीज चीज को चुना जो कि उनके देश में मिलता था, जो कि था बैकन सिम, बैक पटेटो के भी थोड़ा चीज और क्रीम जैसी चीजों के साथ। अब हम आपको इस इंसान के कारनामे के बारे में भी बता दें। इसने एक इंसान का खून किया, वो भी उसके कानों के अंदर स्क्रू ड्राइवर के द्वारा, और फिर उसकी बॉडी को 2 हिस्सों में बांट कर पन्नी के अंदर डालकर कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। अब चाहे क्राइम कैसा भी हो, कानून की नजर में कोई भी मुजरिम बच के नहीं भाग सकता। इन जनाब को पकड़ा गया और सीधे फांसी की सजा सुनाई गई। तो दोस्तों, हमारी वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगी, साथ ही आपको इन सब में से कौन सा कैदी सबसे ज्यादा मजेदार लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।